alaikum students today we will discuss unit number 3 exercise question number 4 part number 6 and 7 part number 6 is how formula is used in excel sheet give one example answer is on page number 53 and 54 part number 7 is name different parts of function with the help of an example answer is on page number 55 and 56 answer of question number 6 is on page number 53 entering a formula अ फार्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज इन द वर्कशीट स्टूडेंट्स बेसिकली फार्मूला एक इक्वेशन है जो सर्टन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखी जाती है दिस इक्वेशन इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन एक्सल वर्कशीट यूजिंग डिफरेंट डेटा वैल्यूज नेक्स्ट हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि फार्मूला कैसे एंटर किया जाता है अब फार्मूला ऑलवेज़ बिगनस विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाई आर वैल्यूज़ और सेल रेफरेंसेज एंड एन ऑपरेटर फार्मूला हमेशा एकवल साइन से स्टार्ट होता है आप देख सकते हैं इक्वल साइन स्टार्ट पे है उसके बाद या तो वैल्यूज़ एंटर की जाती हैं या सेल रेफरेंसेज एंटर किए जाते हैं सेल रेफरेंसेज उन सेल्स के एंटर किए जाते हैं जिन सेल्स में डेटा वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हैं दोनों फार्मूलाज में एकवल साइन है स्टार्ट पे एक फार्मूला में वैल्यू है और एक फार्मूला में सेल रेफरेंस यूज़ हुआ है उसके बाद एक ऑपरेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटा वैल्यूज को ऐड करना है तो उसके लिए प्लस साइन यूज़ हुआ है वैल्यू या सेल रेफरेंस के बाद ऑपरेटर है ऑपरेटर के बाद फर्दर वैल्यू है और सेल रेफरेंस है स्टूडेंट्स अब हम फार्मूला की एंट्रिंग कैसे होती है एक एग्ज़ाम्पल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर फिफ्टी फोर एग्जाम्पल इज़ गिवन हाओ अ फार्मूला इज़ एंटर्ड इन एक्सल वर्कशीट ये एग्जाम्पल हम प्रॉपरली एक्सल वर्कशीट में एंटर करके डिस्कस करते हैं ये एग्ज़ाम्पल रिलेटेड है टू नंबर्स के एडिशन से कि एक्सल वर्कशीट में टू नंबर्स को ऐड करने के लिए फ़ार्मूला कैसे एंटर किया जाता है स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस हाउ फार्मूला इज़ एंटर्ड इन एम एस एक्सल वर्कशीट सबसे पहले हम टू सेल्स में डेटा एंटर करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इन सेल बी वन एंटर फोर्टी फाइव इन सेल सी वन एंटर सेवेंटी सिक्स अब हम सेल डी वन में फार्मूला एंटर करेंगे स्टूडेंट्स एज यू नो दैट फार्मूला बिगन विद एन इक्वल साइन तो सबसे पहले इक्वल साइन आएगा इक्वल साइन के बाद हम सिंपली क्या करेंगे उस सेल पे क्लिक करेंगे जिस सेल की डेटा वैल्यू यूज़ करनी है फॉर कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल बी वन और सेल सी वन की डेटा वैल्यूज को ऐड करना है तो सिंपली क्या करेंगे सेल बी वन की डेटा वैल्यू एंटर करने के लिए हम सेल बी वन क्लिक करेंगे जैसे ही सेल बी वन क्लिक किया है सेल का सेल एड्रेस फार्मूला में एंटर हो गया है प्लस साइन एंटर करने के बाद सिंपली सेकेंड सेल पे क्लिक करेंगे जिसकी डेटा वैल्यू यूज़ करनी है फॉर एग्जाम्पल सेल सी वन है तो जैसे ही क्लिक करेंगे सेल एड्रेस एंटर हो जाएगा फार्मूला में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सेल डी वन में फार्मूला है इक्वल साइन बी वन प्लस सी वन यानि कि ये सेल्स बी वन और सी वन की वैल्यूज़ को ऐड करेगा जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे सम कैलकुलेट हो जाएगा आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ का सम है वन ट्वेंटी वन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ ऑन पेज नंबर फिफ्टी फाइव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर एज फॉलोज ऑल फंक्शन बिगन विद द इक्वल साइन यानी फंक्शन के स्टार्ट पे इक्वल साइन होता है अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है फार्मूला में भी स्टार्ट पे इक्वल साइन होता है आफ्टर द इक्वल साइन द फंक्शन इज इन्जर्टिड इक्वल साइन के बाद फंक्शन इन्जर्ट किया जाता है ये फंक्शन सम फंक्शन भी हो सकता है एवरेज भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो सकता है मीन मैक्स इसके अरूट भी हो सकता है फंक्शन इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गोमेंट एन ऑर्गोमेंट इज़ द सेल रेंज और सेल रेफरेंसेज दैट आर इंक्लोज बाय पेरेंथीसिस इफ देर इज मोर देन वन ऑर्गोमेंट सेपरेट ईच बाय अ कॉमा स्टूडेंट्स ऑर्गोमेंट बेसिकली सेल रेंज है जिस सेल रेंज पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है सेल रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं सेल रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेल रेफरेंसेज यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का भी प्रॉपर प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं सेल रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले सेल रेंज के स्टार्टिंग सेल का सेल एड्रेस यूज होता है उसके बाद सेमी कॉलन और सेमी कॉलन के बाद सेल रेंज का एंडिंग सेल एड्रेस या हम कह सकते हैं कि एंडिंग सेल का सेल रेफरेंस यूज होता है तो ये एक सेल रेंज है इस सेल रेंज को अगर हम पेरेंट में इंक्लोज कर दें तो ये एक ऑर्गोमेंट बन जाता है स्टूडेंट्स अगर एक से ज़्यादा ऑर्गोमेंट्स हों तो इस केस में इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्पल में जो फंक्शन गिवन है इसके तमाम पार्ट्स देखते हैं स्टार्ट पे इक्वल साइन है उसके बाद फंक्शन नेम है सम फंक्शन नेम के बाद ऑर्गोमेंट है ऑर्गोमेंट में आप देख सकते हैं ए थ्री टू ए नाइन ये एक सेल रेंज है और इस सेल रेंज को इनकलोज किया गया है पेरेंट में हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑर्गोमेंट ज़्यादा हों तो इस केस में हम ऑर्गोमेंट्स को सेपरेट करते हैं यूजिंग कॉमा स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक